चोरी नहीं डकैती है। अडानी मामले में प्रमोद तिवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो के प्रभारी, रीवा में पत्रकार वार्ता में एक सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर कहा, इसको चोरी नहीं डकैती कहेंगे। हमारी छोटी सी मांग है, सरकार जांच कराए। अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करें, हम में से बहुतों को सौभाग्य मिला। कन्याकुमारी में भी, केरल में भी, मैं तो मध्य प्रदेश भी आया था, उज्जैन, राजस्थान जहां से सांसद हूं मैं वहां भी रहा, उत्तर प्रदेश मूलता जहां से हूं वहां भी उनकी यात्रा में रहा, हरियाणा में भी रहा, कश्मीर में भी रहा। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष ने यह यात्रा, पद यात्रा नहीं की। अगर किसी ने की तो वो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने की। परिस्थितियां कितनी विपरीत थी, चूंकि आप लोगों ने दिखाया होगा, देखा होगा, जिस तरह बरसते पानी में या बरसते आसमान से बर्फ में उनका मिशन रुका नहीं, करते रहे, और बहुत से शुरुआत से उनके जूते को लेके उनके टी शर्ट तक पे आरोप लगे, पर उसी टी शर्ट में श्रीनगर तक पहुंच गए माइनस जीरो में। तो कुछ तो औरों से अलग हैं वो। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आधारित है दो बातों पे। एक तो भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हो, उसकी निरंतरता बनी रहे, जिस उद्देश्य से निकली है उस उद्देश्य पे कांग्रेस जन प्रयास करते रहे। इसीलिए अब एक इसी से जुड़ी हुई, इसी की निरंतरता शब्द जब मैंने इस्तेमाल किया है तो उसी यात्रा का आप कह सकते हैं बढ़ रही आगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। इसका ही मतलब नहीं कि ऐसे हाथ जोड़ दो, इसका मतलब है कि हर दरवाजे, हर पोलिंग बूथ, हर गांव सभा, हर न्याय पंचायत, हर ब्लॉक जिले में, जहां विशेष रूप से राहुल जी की पदयात्रा जहां से नई गुजरी जिन हिस्सों में, वहां हमारे कांग्रेस जन जाए। ये सभी व्यापारी या पूंजीपति या उद्योगपति लेता है लोगों से, उसको ऐसे तो नहीं वापस करता ना, उसकी एक प्रक्रिया है। और लोगों ने दे दिया 20,000 करोड़ वापस किया, एक चीज। दूसरी चीज, ये गिरावट क्यों इतना ज्यादा, और तीसरी चीज हम बार बार साफ कर रहे हैं कि हमारी चिंता है 130 करोड़ भारतवासियों की, क्योंकि स्टेट बैंक से और जीवन बीमा निगम से दोनों जुड़े हैं आप लोग, सब लोग, हम लोग, मैं तो जुड़ा हूं अभी, मेरे भी जुड़े हैं सभी इसमें होंगे। तो आपकी चिंता कांग्रेस को है, 130 करोड़ भारतवासियों की चिंता आपको है। हम क्या कह रहे हैं उसे, ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको अडानी जी को लाइए और किसी चौराहे फांसी दे दीजिए, हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जब दुनिया में ढाका में उथल पुथल हो गई इसी को लेकर, दूसरे देशों में उथल पुथल हो गई इसी को लेकर, तो जांच कराइए। कोई ऐसी जांच भी हम नहीं मांग रहे हैं जो कभी ना हुई हो। जेपीसी तो मेरे फल के कई बार हुई हो, और जेपीसी में होता क्या है, मैं उसकी रूपरेखा बता दूं आपको। सदस्यों के पार्टी के अनुपात में सदस्य निर्धारित हो जाते हैं 20-25-30, उसमें भाजपा का बहुमत होगा, एक चीज। फिर हम कह रहे हैं नहीं मत करो, जेपीसी नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम कर लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो आपके कार्यकाल में नियुक्त हुए, पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट गया, उन्हीं कार्यकाल में चीफ जस्टिस बने, उन वो अनुश्रवण करें, वो इस पर नजर रखें, मॉनिटरिंग करें,
और ये जो आरोप उभर कर पूरे देश और दुनिया में आए हैं इसकी जांच हो जाए, तो जांच की मांग कर रहे, ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे। जांच में अगर कोई बात उभरे तो फिर 130 करोड़ भारतवासियों का हित के लिए यह लड़ाई हम सदन में भी लड़ेंगे और सदन के अलावा सड़क पर भी लड़ेंगे। क्योंकि एक चीज बहुत से लोग शायद समझ ना पा रहे हैं उसको, आप लोग तो समझते होंगे तत्काल लोग, कि ये अगर कोलैप्स हुआ तो वो कांग्रेस का जो आरोप था कि आम किसान से, आम मजदूर से, आम कर्मचारी से लेकर पूंजीपतियों की तिजोरी तक भारत की संपदा पहुंचाई जा रही, धन पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं अगर वो तिजोरी कोलैप्स हुई, 1% में ज्यादातर धन पहुंच चुका है, 1% टोटल पॉपुलेशन, अगर वो तिजोरी कहीं कंप्लीट हुई तो भारत का भविष्य कोलैप्स कर जाएगा। और जो अमाउंट इन्वॉल्व है, जिस ढंग से, जो तथ्य मेरे पास है, मैं अभी नहीं रख रहा हूं, इसे मुझे पार्लियामेंट में भी रखना है, कल मेरी ही नोटिस थी, मेरी ही नोटिस पे कल रिजेक्ट किया है माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। तो मुझे डर यह है कि भैया अगर किसी विरोधी दल के यहां कुछ लाख और करोड़ मिले, गलत है, उसके यहां भी छापे पड़ते हैं, पढ़ने चाहिए, इनकम टैक्स की तुरंत रेट पड़ती है, अगर कहीं गलत है पढ़ना चाहिए, ईडी सोती नहीं दिन रात लग जाती है, स्पेशल फ्रॉड सीबीआई सब लग जाते हैं, तो ये स्टेट बैंक का और इंश्योरेंस का पैसा भारत की जनता का इतना बड़ा साइफन आप हुआ और ये सारी एजेंसी सो रही थी। मेरा कहना है ये एजेंसियां सो नहीं रही थी, इन एजेंसियों को निस्तेज कर दिया गया था, इन एजेंसियों को यह डायरेक्शन था कि जो करें अडानी साहब वही देश का कानून है। तो यह बहुत गंभीर मसला है और इसीलिए मैं कहता हूं यह 10 20 साल 25 साल या मोदी गवर्नमेंट के 8 साल 9 साल का नहीं है, यह इस शताब्दी का, इस सेंचुरी का, उसके पहले तो शायद ही हुआ हो सकता है, इतिहास की सबसे बड़ी घोटाला हो, और मैं इसे घोटाला नहीं मानता। मेरा आरोप है कि ये इस भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास की सबसे बड़ी जनता के पैसे पर डकैती। मेरे पास आधार है, मेरे पास सबूत है, जिन्हें मैं पार्लियामेंट में रखूंगा।